अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका भी ईपीएफ कटता है तो तैयार हो जाइए। ईपीएफओ के खाताधारकों को जल्दी ही अच्छी खबर मिल सकती है। सरकार जल्दी ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत पीएफ खाताधारकों की मिनिमम सैलरी 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। सरकार सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ के वेतन सीमा को बढ़ा सकती है। दरअसल लंबे समय से वेतन सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर वेतन सीमा 15,000 से 21,000 रुपए हो जाती है तो 21,000 रुपए का 8.33% यानी मासिक ईपीएस योगदान 1,749 रुपए हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार पीएफ खाताधारकों की मिनिमम सैलरी बढ़ाती है तो कर्मचारियों की पेंशन यानी ईपीएस में योगदान की राशि प्रभावित होगी। इसके साथ ही पीएफ की राशि में भी इजाफा हो सकता है। अब जान लेते हैं कि अंतिम बार बढ़ोतरी कब हुई थी। गौरतलब है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों श्रम और रोजगार मंत्रालय अंतर्गत आते हैं। इससे पहले आखिरी बार ईपीएफओ के तहत 2014 में वेतन सीमा में संशोधन हुआ था। उस समय इसे 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था, जो आज भी लागू है। इसके साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी में आखिरी बार संशोधन 2017 में हुआ था। तब से 21,000 रुपए की उच्च वेतन सीमा है। सरकार का कहना है कि दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन सीमा को जोड़ा जाना चाहिए। ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% का योगदान करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ कर्मचारी का पूरा योगदान पीएफ खाते में जमा किया जाता है, जबकि नियोक्ता के योगदान का 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है और बाकी 3.67% पीएफ खाते में जमा किया जाता है। वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर बड़ा फाइनेंशियल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए ये एक बेहतर प्रयास होगा। बढ़ी हुई वेतन सीमा से लाखों श्रमिकों को फायदा होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच है।